बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7, बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि BSc 2 ईयर कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का हिस्सा है। इस चैप्टर का नाम डाटा कम्युनिकेशन है और ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 33 है और इस डाटा कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2 है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा क्विज़ है, इसको वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा इसके आंसर। डेटा रूटिंग इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड मोस्ट एफिशिएंट पाथ, यस और नो? ऑल कंप्यूटर आर नॉट इक्वलेट इन टर्म ऑफ स्पीड, यस और नो? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिटेक्ट्स द एरर, यस और नो? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये क्या होता है? ये एक तरह का प्रोग्राम कह लें या एक तरह के कानून कह लें या रूल्स कह लें जो के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या कानून होना चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर लिखा होता है। एक तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है, कानून होती हैं जिसकी पासदारी करनी पड़ती है डाटा को ट्रांसफ़र करते वक्त। डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर, यानी कि डाटा कम्युनिकेशन एक तरह का सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है कम्युनिकेट करने के लिए एक कंप्यूटर को दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। द प्रोसीजर ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉमनली कॉल्ड प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर की शक्ल में जो इस तरह का प्रोसीजर होता है या सेट ऑफ रूल होता है उसको हम प्रोटोकॉल कह देते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल, ये सेट ऑफ रूल है फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए अमंग कंप्यूटर्स के दरमियान। दीज प्रोटोकॉल्स डिफाइन, ये प्रोटोकॉल क्या कहता है? हाउ टू कम्युनिकेशन चैनल्स इज इस्टेब्लिश्ड, कम्युनिकेट करने के लिए आपस में चैनल या रब्ता किस तरह इस्टेब्लिश किया जाता है? हो इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? हो एरर्स आर डिटेक्ट एंड करेक्टेड, किस तरह एरर को डिटेक्ट करना है और उनको करेक्ट करना है। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से काम सर अंजाम देता है प्रोटोकॉल? द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल आर एज फॉलो, मेन जो फंक्शन है उनमें है डाटा सीक्वेंस, डाटा राउटिंग, डाटा फ्लो और एरर कंट्रोल। चलिए इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। डाटा सीक्वेंस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉलर ब्लॉक इज कॉल्ड द डाटा सीक्वेंस, यानी कि एक बड़ा मैसेज को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करना, ये काम कराता है डाटा सीक्वेंस। ए लॉन्ग मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेज ऑफ स्मॉल, इस तरह एक बड़ा कोई मैसेज है तो उसको छोटे छोटे पैकेज में डिवाइड करना डाटा सीक्वेंस कहलाता है। तो उसके बाद डाटा राउटिंग, डाटा राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी कि डाटा राउटिंग वाला जो काम है उसमें क्या करना है कि मैसेज भेजने वाला और मैसेज सेव करने वाले के दरमियान बेहतरीन राउट को डिफाइन करना है बिफोर सेंडिंग डाटा, डाटा को सेंड करने से पहले। कि फर्ज करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुख्तलिफ रूट्स या रास्ते अवेलेबल हैं तो उसके लिए कौन सा बेस्ट रूट रहेगा मैसेज को सेंड एंड रिसीव होने के लिए, तो ये काम भी डाटा राउटिंग के जरिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सर अंजाम देता है। उसके अलावा डाटा फ्लो, ऑल कंप्यूटर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्पीड, तमाम कंप्यूटर स्पीड के लिहाज से एक जैसे नहीं होते। डाटा फ्लो इज़ ए प्रोसेस दैट कंट्रोल डाटा ट्रांसमिशन प्रॉपरली इफ़ द सेंडर कंप्यूटर इज़ फास्टर दैन द रिसीवर कंप्यूटर, यानी कि डाटा को फ्लो, यानी कि डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना कि अगर दोनों तरफ से स्पीड एक जैसी नहीं है, मसलन भेजने वाले की स्पीड तेज़ है तो रिसीव करने वाले की स्पीड स्लो है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है प्रोटोकॉल के ज़रिए और इस प्रोसेस को डाटा फ्लो के ज़रिए हैंडल किया जाता है। एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्टिंग एंड रिकवरी इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो मेन फंक्शन है उसका है एरर डिटेक्ट करना। इट इंश्योर दैट द डाटा इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी एरर, प्रोटोकॉल का ही काम है कि वो ये डिटेक्ट करे कि जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो विदाउट एनी एरर है। इट आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स इफ एन एरर इज डिटेक्ट, और अगर कोई डिटेक्ट हो भी जाए एरर तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना इसी प्रोटोकॉल का काम है और इस पार्ट को हम एरर कंट्रोल कहते हैं। फर्ज करें इधर से डाटा जा रहा है तो इधर कोई एरर आ गया तो उसको डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके उसको फिक्स करना, फिक्स करके फिर आगे पहुंचाना, ये भी एक एरर कंट्रोल का प्रोसेस का हिस्सा है। की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल के कौन कौन से मेन एलिमेंट हैं,
एक उसका सिंटैक्स है, एक सिमेंटिक्स है और एक टाइमिंग है। सिंटैक्स में क्या आता है? सिंटैक्स रेफर टू द स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ डाटा। डाटा किस फॉर्मेट का है इसमें ये डिफाइन किया जाता है सिंटैक्स के अंदर। और इसके अलावा सिमेंटिक में क्या है? सिमेंटिक रेफर टू द मीनिंग ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ द बिट। इट इंक्लूड्स हाउ शुड ए पर्टिकुलर पैटर्न बी इंटरप्रेटेड एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल एन एड्रेस में आइडेंटिफाई द रूट टू बी टेकन और द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। तो इसके अंदर पूरी एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन सा रूट या कौन सा एड्रेस आपने फॉलो करना है डेस्टिनेशन के लिए। फिर टाइमिंग भी बहुत अहम है। टाइमिंग इंडिकेट व्हेन द डाटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट इट बी सेंट। फॉर एग्जाम्पल ए सेंडर मे प्रोड्यूस डाटा एट 100 MB व्हेन रिसीवर कैन प्रोसेस डाटा एट ओनली 1 MB। द ट्रांसमिशन विल ओवरहेड द रिसीवर एंड डाटा विल बी लॉस्ट। तो इस तरह क्या होगा कि ट्रांसमिशन ओवरहेड हो जाएगी, क्योंकि अगर भेजने वाला की स्पीड बहुत तेज है तो रिसीवर करने वाले की स्पीड लो है, तो ओवरहेड होने के बाद कुछ डाटा में भी वो लॉस हो जाए। तो इस चीज़ को भी प्रोटोकॉल हैंडल करती है कि टाइमिंग कितना अफेक्ट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतलक वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।